इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। प्रभु को सब जीव अच्छे लगते हैं क्योंकि परमात्मा सबको अपना ही मानकर व्यवहार करते हैं। भगवान अलग अलग नहीं मानते, इसलिए आपने देखा होगा संतों का किसी के प्रति वैर नहीं होता। क्यों? संत भगवान भगवान के प्रतिनिधि हैं। जाने दो उसके सब अपने, उनके सब अपने, बैर नहीं, विग्रह नहीं, विरोध नहीं। गुरुदेव भगवान गुरु माँ माताओं को सुंदर सुव्यवस्था सौंपी है। निषाद जी और भरत भैया ने मिलकर रात में परिक्रमा लगाए भगवान के निवास स्थल की। प्रातः काल हुआ, निषाद जी ने घाट घाट की नौएं मंगाई, एक ही बार में सब लोग उस पार चले गए। तीर्थराज प्रयाग में प्रवेश हुआ, वहाँ सब लोग प्रातः संध्या से निवृत्त हुए। यथा योग्य सबने प्रणाम वंदन आशीष पाया है। गुरुदेव के सानिध्य में सबको आगे बढ़ाकर अब भरत जी फिर पैदल पैदल। एक शीलता होती है, भरत जी शीलता की प्रतिमूर्ति है। सेवक कहते हैं हे नाथ अश्व आरूढ़ होइए, भरत जी कहते हैं मेरे राम जी वन में तो हम हाथी घोड़ा पालकी पर चढ़े ना। सेवक मैं हूं, सेवक को योग्य है स्वामी जो सुख न ले उसको स्वयं भी न ले। सिर भर जान उचित समोरा सब ते धर्म कठो। हम सेवक हैं, जो सुख हमारे स्वामी को नहीं है उसको हम कैसे स्वीकारें। भरत जी की गति देखकर, उनकी वाणी सुनकर सेवकों को अपने प्रति गलानी होती है। प्रभु का स्मरण करते हुए भरत भैया तीसरे प्रहर में प्रयागराज प्रवेश किए। अब भरत जी के पांव में छाले आ गए हो, झलका झलकत पायन कैसे, झलका झलकत पायन कैसे, पंकज को सब बन जैसे, पंकज को भरत पया दहिया जो, भरत पया दहिया जो, भय वो दुखित सुनि सकल समाजु, भय वो दुखित सुनि सकल समाज, समाजू। पहली बार पैदल पैदल चले भरत जी, पांव में छाले आ गए। कमल के कोश में जैसे ओस की बूंदे मोती जैसी टपकें खड़ी रहें, ऐसे पांव में छाले आ गए हो। भरत भैया पैदल पैदल आए ऐसा सुनकर सारा समाज दुखी हो गया। तथापि भरत जी ने सबकी कुशल पूछी, सबको सुव्यवस्थित किया। त्रिवेणी मैया के तट पर आए, दंडवत आचमन संकल्प स्नान
सविधि सिता सित निरनहार दिए दान महिसुर सनमान देखत श्यामल धवल हलो सब विधि स्नान की भी विधि है क्या प्रणिपात दंडवत आचमन संकल्प स्नान उछल कूद नहीं दान ब्राह्मण देवताओं को भरत जी ने संतुष्ट किया। गंगा मैया श्वेत यमुना मैया श्यामल श्वेत श्याम गंगा यमुना की लहरों को देखकर भरत भैया को लगे मानो मेरे श्री सीताराम जी का दर्शन हो रहा। जैसा भाव हो भरत जी ने हाथ जोड़ लिया, हे तीर्थराज आप सबकी समस्त कामनाओं को पूर्ण करते हैं, सकल कामप्रद हैं आप। वेद में ऐसा प्रमाण है, जगत जानता है मैं क्षत्रिय बालक हूं, मैंने कभी मांगा नहीं, आज मांगो भीख त्याग निज धर्म हूं आरत का आरत व्यक्ति क्या नहीं करता है, मैं भी आर्त हूं। भरत जी कहते हैं मैं भी आर्त हूं, क्यों मेरे प्रभु वन में पूज्य पिताजी देवलोक में परिवार की हालतें माताओं को वैधव्य हो मेरे पर करुणा वृष्टि करिए। हे तीर्थराज हम जो मांगते हैं वो प्रदान करिए, क्यों जगत में आपके द्वार जो आया जिसने जो मांगा आपने वही दे दिया। मांगने की चार वस्तु है धर्म अर्थ काम और सुख मोक्ष लेकिन भरत जी ये चारों नहीं मांगते मैं आपसे मांगता हूं तीर्थराज परंतु ये चार वस्तु नहीं, अर्थन धर्मन काम रुचि गति न जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान। न अर्थ चाहिए न धर्म चाहिए, अर्थ केवल चाहिए न तो अनर्थ पैदा करेगा, धर्म में अर्थ आएगा तभी मंगल करेगा, केवल अर्थ बढ़ा तो अनर्थ करेगा, उत्पात में लगा देगा। हो जिन्होंने अपनों के लिए अर्थ एकत्र किया है उनके अपनों ने उत्पात बहुत किया, हम अपनों के हितैषी हैं तो इतना ही अर्थ कि उनका जीवन अनर्थ में प्रवेश न करे, बस चलता रहे। जीवन में अभाव बना रहेगा तो निश्चित मानिए कि स्वभाव भी सज्जनता का बना रहेगा, क्योंकि खुराफात का समय कहां सहजावस्था आएगी। यदि जीवन में अर्थ बहुत हो गया और समय अपार अपने पास है तो कठिनाई है, धर्म पर जीवन चल नहीं सकता। दुर्योधन यदि तप करके राज सिंहासन मांगे होते चाहे होते पाए होते
तो युद्ध की विभीषिका में प्रवेश न करते। जिस प्रकार पिताजी ने महाराज पांडु के राज सिंहासन को छोटे ही युधिष्ठिर इसलिए तब तक संभाला, यह बात बचपन से ही भर जाती दुर्योधन के, ये गलती न करता। मैं हूं मेरे बाद तुम हो, बस यही विकार है, काहे का बात। सिंह का किसने अभिषेक किया, प्रभु ने परशुराम भगवान से कहा था, कालहु डरहिन रन रघुवंशी, कहम स्वभाव नकुल ही प्रशंसी। कालहु डरहिन रन रघुवंशी, हम रघुवंशी हैं, काल भी आ जाए तो भय नहीं करते, युद्ध करते हैं, परिणाम जो हो, ये हमारा स्वभाव है, काल से भी नहीं डरते। महाराज आप तो ब्राह्मण देवता हैं, आपसे क्या, सब प्रकार हम तुम संहारे, यही बात। अर्थ अनर्थकारी है यदि धर्म में नहीं है, धर्म अनिष्टकारी है यदि बिना सोचे उसके साथ चला गया जी। सुख जिसके प्रारब्ध में है वही तपेगा तो सुख वर्धन होगा, दूसरे के लिए हम सुख का सामान भी इकट्ठा कर दें यदि प्रारब्ध में नहीं है तो सुख मिलने वाला नहीं है, सुखों में लोग रोवत रहते। हम तो कुटिया में भी रहते हैं, महलों में भी रहते हैं, ऐसे घरों में भी रहते हैं जहां ड्राइंग लगता है पानी है, हर जगह रहते हैं, बंद रहते हैं, देखा है, ऐश्वर्य की फाइट भी देखी है और लाइट भी देखी है और टाइट भी देखी है, नहीं है ज्यादा सुखी है, बिगड़ जाता है, यह है सुख की कामना। जीवन संघर्ष में है जिसका, वो सबसे अधिक सुखी है, क्यों, व्यर्थ का सोचने का समय कहां है, रमते रहेंगे रमते राम। इसलिए भरत जी ने न अर्थ मांगा न धर्म मांगा न सुख मांगा, भरत जी कहते हैं मेरी मां ने सिंहासन रूपी अर्थ मांगा, पूज्य पिताजी ने धर्म की रक्षा की, उनका महाप्राण हुआ, मेरी मां ने सुख मांगा, जीवन में मेरे दुख आया, अब कुछ नहीं चाहिए, अब तो बस एक परम सुख, क्या, राम चरण। जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान, केवल प्रभु वैसे हैं हो जिनको जगत से, जगत के सताए लोग बहुत अच्छे लगते हैं। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।